हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 3 मई 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग पे। अभी मैं गया हूँ हितोली में, मतलब गांव का ही हिस्सा है गधेर की। एक तरफ हितोली हो जाता है, एक तरफ लजुड़ा, एक तरफ सलौंज, मतलब तीन हिस्से हो जाते हैं और ग्राम सभा पूरी एक ही रहती है और गाँव भी एक ही है। तो अभी मैं एक ताई जी के घर में आया हूँ। ताई जी को मैंने पहले भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है। जिन दिनों हमारे टूर्नामेंट हो रहे थे यहाँ पे, तो हम सारा सामान इन्हीं के यहाँ पे रखते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। तो वहीं पर मैं आया हूँ और ताई जी अभी आई हैं। वो गई थी हरिद्वार, तो हरिद्वार से आई है तो कह रही हैं कि मैं आपके ब्लॉग, मतलब तुम्हारे ब्लॉग रोज देखा करती थी, तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ एक ब्लॉग बनाते हैं। मेरे पीछे आप गुलाब के फूल देख रहे हैं, बहुत शानदार, और आसपास का मौसम भी दिखाता हूँ। बारिश आने वाला अभी मौसम बन गया हल्का हल्का। तो दोस्तों, ये इनका घर है, राजू भाई मेरे साथ, और इनके घर में तरह तरह के फूल हो रहे हैं। गुलाब है और ये हाजरी का फूल है, अभी सूख गया है। एक और गुलाब हो रहा है लेकिन ये भी हल्का हल्का अब मुरझा गया है। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, सामने पहाड़ियों के ऊपर बादल हैं और सुबह थोड़ी धूप थी हल्की हल्की, लेकिन अभी एकदम बारिश वाला मौसम बन गया है। ये देखिए पूरी तरह से बारिश का मौसम है। बारिश की वजह से थोड़ा गेहूं हमारे अभी लेट हो गए, नहीं तो अभी तक मड़ाई स्टार्ट हो जाती, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो इस वाले इलाके में किसी ने गेहूं नहीं काटे हैं। ऊपर बिंदा की तरफ और रनमन की तरफ लोगों ने गेहूं काट लिए हैं सारे। ये देखिए, ये अमरूद का पेड़ है इनका, अमरूद पता नहीं कब होंगे इसमें। ये देखो मोर पंखी भी हो रही है यहाँ पे, मोर पंखी सुना, इसके फ्रूट भी हो गए हैं। ये खाते नहीं इसको, लेकिन इसके मसाले दाल में डालते हैं। और ये है एक पता नहीं कौन सा फूल है, ये भी देखो। तो ये ताई बैठी हैं, ताई से पूछता हूँ। ताई ये अभी घर आके कैसा लग रहा है पहले बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना ही घर ठहरा। अपना घर अपना ही होता है, अपना घर अपना ही होता है। कितने महीने हो गए थे वहाँ हरिद्वार में? तीन महीने हो गए। तो 3 महीने आपने मेरे ब्लॉग देखे? हाँ, कंटिन्यू रोज कंटिन्यू। अच्छा लगता होगा वहाँ? बहुत अच्छा लगता है, अपने घर का आदमी कहाँ मिलता है, अपने बच्चे हैं। वहाँ से जब मैं भी दिल्ली विल्ली जाता था ना, तो कोई आसपास की वीडियो डालता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता देखना। लेकिन अभी तो मैं घर में ही हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, वहाँ जाके अच्छा लगता है। वहाँ जाके अच्छा लगता है। और वहाँ का मौसम कैसा हो रहा था अभी हरिद्वार का? हरिद्वार में पहले तो बहुत गर्मी थी, जब से बारिश हुई बादल लगे तो मौसम अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। और अच्छा मौसम। और गंगा नहाने गई नहीं गई कभी? अरे क्या क्या बताऊंगी तेरे को। फिर गंगा नहाने भी गए, गंगा आरती में भी गए, और ये वृंदावन भी गए, वृंदावन से फिर ताजमहल भी देखा, ताजमहल भी आगरा का किला, वो दूसरा वो बड़ा वाला वो किला भी देखा। 3-4 दिन वहाँ घूम घाम के आए। मतलब आप तो मेरे से ज्यादा घूम गए फिर। बहुत ही ज्यादा घूम गए हम वहाँ, पता नहीं वृंदावन में तो कहाँ कहाँ गए हम। 4 दिन गाड़ी लेके गए, वही उधर ही घूम घाम के आ गए। अच्छा, आगरा भी गए? आगरा भी गए। मैं आगरा नहीं गया, वृंदावन तो मैं भी गया। आगरा का किला तुम देखते देखते ही रह जाओ। ताजमहल? ताजमहल तो आप ताजमहल ही ठहरा। अच्छा, वो ताजमहल किसकी याद में बनाया था? उसमें बेगम किसकी, मुमताज की याद में, शाहजहाँ बेगम ना, शाहजहाँ ने बनाया था। और वहाँ बड़ी सामने देखी। अच्छा, सामने देखी किला बैठी एकदम सामने। तो वहाँ जाके तुमको बताओ, घर याद उसी नहीं उसी? अरे बहुत उसी यार, तो मैं बीमार जाने पर भी। अच्छा, घर याद भी बीमार है? तो है पहाड़ बुला, पहाड़ बुला। अच्छा, तो घर ही जो घर ही सुने हो, घर छोड़ने जन लागन ने जाना के? ना यार, घर छोड़ने लागन पर तो ये घर लो करे मेरे कल्याण, ये घर लो करे मेरे कल्याण। ये घर में ये सब होए, हम घर में एक दिन नहीं रोन में हो पहना, खिड़की उड़की टूट आगे पल खड़ी की। हाँ, खिड़की टूट की, बतानी कैसी टूटी बताओ। तो ऐसी होता है ताई जी, हमको भी जब हम नौकरी वोकरी में जाते हैं ना, घर की बड़ी याद आती है, इसलिए मैं जाता ही नहीं। घर की याद सताती इसलिए मैं जाता नहीं। और अभी आपकी वीडियो कौन देखेगा? वो बहु लोग देखेंगे, उनको क्या? हाँ, उनको भी कुछ कह दो, उनको कह दो मैं आ रही हूँ 2-4 दिन में। क्यों नहीं है?
तो मैं वीडियो देखे था मेरी तो घर बना सब देखे घर हाल चाल फूल फाल देख ले मेरे सब और कमेंट लो मार दिया बिल्कुल ओ कमेंट कमेंट जब मारने से तो अर्जुन का है अर्जुन का है तो अच्छा ये एल जाला या थोड़ा दिन ये रोला ताले घर रोला पर ह्यून में जाया हाँ ह्यून में जाना चलो ठीक है फिर हाँ अभी यहाँ शादी है शादी में जाते हैं भात हाथ खाते हैं भात खाने की वीडियो बनाते हैं। तो अभी निकल गया हूँ ताई के घर से उनसे मैंने तुरई का बीज मांगा तो उन्होंने मुझे ये दे दी तुरई दे दी पुरानी वाली इसकी सूखी हुई है इसके अंदर बीज ही बीज हैं 50-60 बीज तो हो ही जाएंगे तो तुरई लगाएंगे अभी सीजन आ गया तुरई का लौकी कद्दू तुरई और पेठा सब कुछ अभी लगता है तो फिलहाल ऊपर खाना वाना बन गया है वहाँ कल शादी थी तो आज शादी के अगले दिन भात खवाई बोलते हैं यानी कि चावल भात खाते हैं दिन का भात खाते हैं तो भात भात बन गया है अब वहाँ खाना वाना खाने के लिए आवाज़ लग गई है और बारिश का भी मौसम हो रहा है तो फटाफट जाते हैं खाते हैं पीते हैं और घर को निकलते हैं। तो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और मैं आ रहा हूँ दुकान से वापस। सुबह जैसे ही हम खाना खाने के लिए ऊपर गए थे वैसे ही बारिश शुरू हो गई तो फटाफट जल्दीबाजी में ब्लॉग व्लॉग कुछ बना नहीं पाया मैं सोच रहा था नहीं तो ब्लॉग बनाता थोड़ा वहाँ का भी। फिलहाल अभी शाम हो गई है घूम घाम के आ रहे हैं थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है तो आज के ब्लॉग को अभी करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए जय श्री राम।